गल करांगे पंजाब दी। पहला कोरोना ते हुण डेंगू। पंजाब दे विच डेंगू दे केस निरंतर वध रहे ने। बठिंडा दे विच तां डेंगू बेकाबू हो चुका है। सरकारी सूत्रां दे मुताबिक हुण तक 1100 केस आ चुके ने। उधर प्रशासन ने स्कूलां नूं डेंगू हस्पतालां दे विच तब्दील कर दिता है। पहला कोरोना ते हुण डेंगू। मन्निया जा रहा सी कि सितंबर दे विच कोरोना दी तीजी वेव आ जाएगी, पर कोरोना दी तीजी वेव तां नहीं आई, पर डेंगू ने जरूर परेशान कर दिता है। पंजाब हरियाणा दे विच डेंगू दे रोजाना केस वध रहे ने। पंजाब दे बठिंडा दे विच डेंगू बेकाबू हो चुका है। रोजाना केस वधदे नजर आ रहे ने ते सरकारी आंकड़ियां दे मुताबिक हुण तक 1100 केस आ चुके ने। वध रहे केसां दे कारण बठिंडा दे मेरिटोरियस स्कूल नूं डेंगू हस्पताल दे विच तब्दील कर दिता गया है। इस तों पहलां वी कोरोना समें स्कूल नूं कोरोना वार्ड बना दिता गया सी। दस्सियोग है कि इस हस्पताल दे विच मरीजां दा इलाज मुफ्त कीता जाएगा, पर हैरानी इस गल दी है कि लगातार वध रही डेंगू दे केसां ने हाहाकार जरूर मचा दिती है। साडे जिन्ने NGO भरा हैं इन्हां ने सारिया ने हौसला दिता, डॉक्टर्स ने, कि आप एक डेंगू का भी एक दिन एपीडेमिक फैल चुके हैं। असी 3 दिन पहला सोचा कि आप इन खोलीए। साडे कोल इस तरह हर टाइप का अरेंजमेंट हैगा पेशेंट वास्ते, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी। ईवन सब तो वड्डी गल जिहड़ी हुंदी है मेडिसिन दी, वो साडे कोल अवेलेबल हैगी। डॉक्टर 24 घंटे इत्थे अवेलेबल हैगे। सूबे अंदर वध रहे केसां नूं लै के सरकार भी चिंतित है। सेहत मंत्री ने कहा कि डेंगू दी रोकथाम दे लई उच्चे उच्चे प्रबंध कीते जा रहे ने। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MD ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, N7 ਨਿਊਜ਼।